गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सब अच्छे हो ना? हाँ, देखिए पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स के चैप्टर के बारे में अपने डिटेल से अध्ययन किया था। आज हम फिजिक्स का एक सॉरी केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके हाजिर है आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल। टॉपिक का नाम है धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए सबसे पहले अपने को यहां से ही पता चल रहा है, इस नामों दोनों नाम से ही यही पता चल रहा है कि धातु क्या होती है और अधातु से थोड़ा बहुत कुछ पता चल रहा है अपने को। ठीक है, अब देखिए तत्वों के उनके गुणों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया गया है। मतलब धातुओं तत्वों के उनके गुणों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया हुआ है, एक तो है धातु और एक है धातु। आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, अपन मैं धातु और अधातु के 6 वीडियो आपको बताऊंगा, 6 वीडियो में आपको समझाऊंगा, आप 6 वीडियो सही ध्यान से समझिएगा। आज हम पहला वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हैं। अब देखिए आइए चलिए अपन धातु और अधातु की बात करते हैं सबसे पहले। अब देखिए धातु और अधातु की, धातु की मैं अलग बात करूंगा और अधातु की मैं अलग से बात करूंगा। अब देखिए सबसे पहले बात आती है धातु के गुणधर्म। एग्जाम धातु के गुणधर्म, धातु के में कौन कौन से एक लक्षण होते हैं, उसके कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं, वो बातें अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं धातु के बारे में बताऊं, धातु कौन से होते हैं, ध्यान में रखिएगा। धातु देखो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले है लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक को अपन जस्ता भी बोला जाता है, मैग्नीशियम, सोडियम, सीसा, और सीसे को अपन लेड भी कहा जाता है। ये तो हुए इसके एग्जाम्पल्स उदाहरण। अब देखिए मैं इसकी बात करूं सबसे पहले गुणधर्म की। देखिए बच्चों देखो धातु की सतह है चमकदार होती है, मतलब कहा जा सकता है कि जो भी कोई मेटल होती है उसकी सतह है चमकीली होती है। धातु को इस चमकीले गुण के कारण ही धात्विक चमक कहा जाता है। धातु सबसे पहले क्या हुआ, धातु की तरह धातु की सतह है क्या होती है, चमकीली होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, धात्विक चमक कहा जाता है। अब देखिए धातु की चमक के बाद में अपन इसकी देखें ये सॉलिड है या कुछ और है, लिक्विड है, इस बाद में बात करें। देखो धातु हमेशा कठोर होती है, सॉलिड होती है। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई सभी धातुएं सॉलिड होती हैं, नहीं, कुछ अपवाद भी होते हैं केमिस्ट्री में। अब देखिए वो अपवाद बता रहा हूं, कुछ धातुएं इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू के द्वारा भी काटा जा सकता है। बेटा बच्चों ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं, जब जैसे कोई आपकी कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें भी पूछा जाता है। उसका उदाहरण क्या हुआ, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। क्वेश्चन कैसे है, ऐसी धातु का नाम बताइए जो जिनको अपन चाकू से भी काटा जा सकता है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। सोडियम तो एक ऐसी धातु होती है बच्चों जिनको अपन यदि पानी में फेंक दें तो विस्फोट हो जाता है, विस्फोटक पदार्थ है सोडियम। इसके बाद में अपन आगे चलें और एक आपको बात बताना चाहूंगा बच्चों, इस पार्ट को थोड़ा अध्ययन ढंग से समझिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन 11, 12 में और कंपटीशन एग्जाम में भी आपके पूछा जाता है। अब देखिए मरकरी
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। जो मरकरी होती है ना, वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड रूप में पाई जाती है। अब इसका थर्ड गुण है, धातुओं का गलनांक उच्च होता है, वह उच्च तापमान पर ही ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। मतलब यदि किसी वस्तु का तापमान अधिकतम होगा तो वह वस्तु ठोस से द्रव अवस्था में पिघल जाती है, परिवर्तन होती है। मतलब कोई भी एक, मतलब कोई भी वस्तु ले ले, या यदि उसको मैक्सिमम टेम्परेचर के अंदर अपन किसी वस्तु को रखेंगे तो वह पिघलेगी। जैसे बर्फ मान लो, बर्फ पिघलेगी, ठीक है। अब एक उदाहरण देखिए, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है, गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। दोबारा आपको बता दूं, ये लेशन बहुत ही कंपिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही सही एग्जाम है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से, ठीक है। अब अगला, इन धातुओं को हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं, पिघलने लगते हैं। मतलब यदि आप गैलियम और सीजियम को हथेली पर भी रख लोगे ना, तो यह पिघलने लगता है। अब अगला टॉप देखिए, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। मतलब कुछ ऐसे, जैसे अपन लोहा होता है, लोहे को जैसे किसी भी सिचुएशन में वो मुड़ा होता है, तो उसको अपन पीट के उसको एक सीधा बना सकते हैं। तो इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इसे फिजिक्स की भाषा में या केमिस्ट्री की भाषा में आघात वर्धता कहा जाता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, सोना एवं चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं हैं। एग्जांपल याद रखना, सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं सोना एवं चांदी। कुछ पांचवा टॉपिक, कुछ धातुओं को का पतले तार के रूप में भी खींचा जाता है। मतलब अब देखिए, ऊपर वाले में मैंने बताया पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, सोने और चांदी उसकी आघात वर्धता अधिक होती है। अब है कि उनको पतले तार के रूप में भी बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, तन्यता कहा जाता है। अब देखो, मेन बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, 1 ग्राम सोने से 2 किलोग्राम तक लंबा तार बनाया जा सकता है। हमेशा याद रखना, 1 ग्राम, यदि 1 ग्राम सोना है तो उससे पीट पीट के उसको 2 ग्राम तक लंबा तार बनाया जा सकता है। धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, इसलिए कहा जाता है कि खाना पकाने के बर्तन के निर्माण के लिए धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए, लोहा है, लोहा तव्वा हमेशा एक धातु है, धातु हमेशा क्या करेगा, इसमें उसकी क्या होती है, धातु उसकी क्या, गलनांक तापमान अधिक होने के कारण वह रोटी चपाती जल्दी पकाता है, जिसके कारण इसकी उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। धातुएं विद्युत की भी सुचालक होती है, इसलिए विद्युत तार में भी धातु का प्रयोग किया जाता है। मतलब धातुएं होती है, विद्युत की भी सुचालक होती है, इसलिए विद्युत तार में धातु, विद्युत तार आते हैं, इलेक्ट्रिक तार आते हैं ना, इलेक्ट्रिक तार, उसमें भी घरेलू में काम आने वाले, उसमें भी धातु का प्रयोग किया जाता है। धातुएं कोई ठोस पदार्थ से टकराने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, इसलिए धातु धात्विक कहला, धातुएं धात्विक कहलाती है। मतलब यदि कोई ठोस पदार्थ से, मतलब कोई धातु है, यदि ठोस पदार्थ से टकराएगी ना, तो उसमें एक स्पेशल ध्वनि पैदा होती है, उसे धात्विक धातुएं कहा जाता है। ये तो बच्चों हुए धातुओं के गुणधर्म। अब है अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब अधातुओं के उदाहरण देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर एवं क्लोरीन।
अब ब्रोमीन एक, इसका पहला बता रहा, ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया मरकरी भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो उसी प्रकार यह धातु का भी एक उदाहरण है। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा सारी धातुएं यह धातु या तो ठोस में होगी या फिर गैसीय पदार्थ होती है। अब देखो, आयोडीन ए धातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन मतलब हमने पढ़ा था कि भाई धातुएं वे ही होती हैं जो चमकीली, इनकी सतह है क्योंकि ये सरफेस चमकीली होती है। तो लेकिन आयोडीन भी एक अपवाद है जो ए धातु के रूप गुण का प्रयोग करता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो ए धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट आपने नाम सुना होगा, वो भी एक अपरूप है, कार्बन का अपरूप है जो ए धातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, धातु और ए धातु को अगले दूसरे वीडियो में अपन थोड़ी इसकी और गहराई इसको नापेंगे, समझेंगे, देखेंगे। अब मैं आपको थोड़ी इसके क्वेश्चन समझा रहा हूँ, समझिएगा। दो तीन आपकी एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं। एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। धातु का पूछा है ना कि अ धातु का। यदि धातु होगी तो होगी होगी सोडियम, यदि यहां पे अ धातु का पूछ लिया जाए तब होगा ब्रोमीन। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम। और धातु कमरे के ताप पर मरकरी, और यदि अ धातु होती तो ब्रोमीन। एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो उष्मा की सतह है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, चांदी। बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, समझिएगा बच्चों। और अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।